एक अपनी जान से प्यारा ये हिंदुस्तान है, वतन तेरे लिए जान दिल को दान है, वतन तेरे लिए जान दिल कुर्बान है। एक अपनी जान से प्यारा ये हिंदुस्तान है, वतन तेरे लिए जान दिल कुर्बान है, वतन तेरे लिए जान दिल कुर्बान है। मुंबई है जिसकी आंखें और दिल्ली जिसका दिल, जुल्फ कलकत्ता है जिसकी लखनऊ जिसका है दिल। मुंबई है जिसकी आंखें और दिल्ली जिसका दिल, जुल्फ कलकत्ता है जिसकी लखनऊ जिसका है दिल। इसके हर शहर की अपनी अलग पहचान है, वतन तेरे लिए जान दिल कुर्बान है, वतन तेरे लिए जान दिल कुर्बान है। एक अपनी जान से प्यारा ये हिंदुस्तान है, वतन तेरे लिए जान दिल कुर्बान है, वतन तेरे लिए जान दिल कुर्बान है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है और इसका बार बार जिक्र आया है कि अपने वालिदैन की इज्जत करो और वालिदैन से ही तुमको जन्नत में अपने जगह मिलेगी, जन्नत तुमको हासिल करनी है। प्यारे बच्चों, आज यहाँ बैठे हो, मेरी बात को गौर से सुनना। वालिदैन के मुकाम के बारे में जो बात बताई गई है उसको अपने दिलों में पैवस्त करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर ईशा की नमाज का वक्त हुआ होता और मैं नमाज के रिकात बन चुका होता और सूर्य फातिहा शुरू किया होता और मेरी माँ मुझे कहती कि मोहम्मद, तो मैं नमाज छोड़कर मेरी माँ के पास चला जाता और कहता, माँ लब्बैक, माँ मैं हाजिर हूँ। आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, मुबारक हो आपको आपके बच्चों का प्रोग्राम, और आपको मुबारक हो आप लोगों की दिनों रात की मेहनत। आज आपका बैठना कोई खाली नहीं है, आप लोग आज तमाम बच्चों की जो कामयाबी देख रहे हो और यहाँ अल्लाह अल्लाह ताला खुश हो रहे हैं ऐसे काम को देखकर, और हम इंशाल्लाह आगे को इसी कामों को लेकर चलते रहेंगे। मैं आपसे दुआओं की गुजारिश कर दूंगा कि अल्लाह ताला हमें और आपको हमारे तमाम इस दौर जमाना में हमको साबित कदम रखे और हमारे ईमान की, हमारे बच्चों की ईमान की हिफाजत के लिए हमको तैयार करे और हमें मजबूत करे, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारे बच्चे सीखते भी रहेंगे और अखलाक शो के उनवान पे मुख्तलिफ मैसेजेस देते रहेंगे, इंशाल्लाह ये कोई जाया नहीं होगा। ये वर्ल्ड टीम पार्लियामेंट है क्या? हमने पार्लियामेंट देखा है, लोकसभा देखी है, राज्यसभा देखी है और असेंबली देखी है। एक यूथ का, टीनएजर्स का 100 लोगों को सेलेक्ट किया गया वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज से, और एक पार्लियामेंट बनाई गई। उस पार्लियामेंट में बच्चों को आने वाले प्रॉब्लम्स इश्यूज को कैसा फेस करना है, ये टीनेज के बच्चे कैसा उसको परसीव करते हैं, ये देखने के लिए इन बच्चों की, लास्ट ईयर वाज़ द फर्स्ट ईयर जो वर्ल्ड टीम पार्लियामेंट, ये यूनेस्को की बॉडी है, यूनेस्को की सपोर्ट से यूएन इनिशिएटिव है, जो हर इंडिया में ब्लब वर्ल्ड के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये प्रोग्राम मुनक्किद किया। और ये आपको जान के बड़ी खुशी होगी, आप लोगों ने पेपर में भी पढ़ा होगा, पहला साल एमएस के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और हमें भी ताजुब हुआ। हमारे पास इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जो चार बच्चे पूरे तेलंगाना में किसी और स्कूल में कोई बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ था, और चारों के चारों एमएस क्रिएटिव स्कूल्स के डिफरेंट ब्रांचेस से सेलेक्ट हुए। आज मैं उनको आपके सामने पेश कर, इनका सिलेक्शन पहले हुआ, ये लोग अपना वीडियोस डाउनलोड करें, हाउ टू मेक द वर्ल्ड ए बेटर प्लेस टू लिव इन।
इनके वीडियोस को सिलेक्ट किया गया, उसके बाद इन बच्चों को वोटिंग का प्रोसेस से गुजरना पड़ा और ये चारों बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह एमएस के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग चारों सेलेक्ट हुए और बहुत खुश नसीबी है एमएस की। सिर्फ हम यहाँ पर एक स्कूल नहीं चला रहे, एक मूवमेंट चला रहे, मैं कहता हूँ ये मूवमेंट है, अगर ये मूवमेंट नहीं होता तो ऐसे बच्चे नहीं आते। फ्रॉम होल तेलंगाना प्रीवियस ईयर द 4 चिल्ड्रन वर सेलेक्टेड, ऑल वर फ्रॉम एमएस। This year also 7 children were selected, all were from MS. This is a great achievement. ऐसा नहीं है कि दूसरे schools participate नहीं करें। बहुत सारे schools नामवर, बहुत बड़े बड़े नाम वाले schools, international standard के schools participate किए। हमारे लड़के लड़कियां इन सब का मुकाबला कर अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड टीम पार्लियामेंटेरियंस बने हैं माशाल्लाह। इन सब के लिए आप सबकी जोरदार थालियां होनी चाहिए। काबिल एहतराम वालिदैन, मेरी आप तमाम से अदबन गुजारिश है, अपने बच्चों के लिए एक्सक्लूसिव टाइम निकालिए और उनका साथ दीजिए, उनके साथ बैठिए, उनको सुनिए, उनको समझिए। अगर उनके जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस का जवाब आप दीजिए। अगर आप जवाब नहीं दिए तो बच्चे जाके किसी और से वो क्वेश्चन करेंगे और वो जवाब अगर गलत भी है तो वो उनको सही समझ के उसके पर अमल करेंगे। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे साथ आप खड़े होकर हमारा साथ दीजिए। हम हर पर हर लम्हा बच्चों की खैरख्वाही करते हैं। एमएस के मैनेजमेंट में 22 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 106 ब्रांचेस है, करीब 33,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, करीब 3,000 का स्टाफ है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये सब कुछ अल्लाह की मेहरबानी से हुआ है और ये सब इतना इसलिए हुआ है क्योंकि मैनेजमेंट दूरंदेशी रखता है और इस दूरंदेशी की वजह से ये रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं। बस आपसे आखिर में मेरे अल्फाज बस यही है कि अपने बच्चों की तकाजों को, ज़रूरतों को, मुस्तकबिल को जहन में रख कर पूरा करिएगा। जज़ाकअल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हमारे बच्चे कौम और मुल्क के लिए एक बहुत ज़बरदस्त असासा बनेंगे, कॉन्ट्रीब्यूटर बनेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। MS Education Academy, preparing world-worthy individuals.